अच्छा पहले आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है कि एक पॉइंट है, उस पॉइंट से आपको अगर ये पूछा जाए इस पॉइंट की पोजीशन बताओ, तब क्या बताओ? जैसे मैंने ये बोला आपको ये पॉइंट, अगर बोलो इसकी आप क्या बोलते हैं पोजीशन बताओ, आप क्या बताओ? कुछ नहीं बता पाओ। लेकिन आप ये कह सकते हो कि सर ये जो पॉइंट है इस व्यू से हाफ ज्यादा यहां से हॉरिजॉन्टल जाएगा और ये नीचे वर्टिकल आएगा। मतलब आप ये बोल सकते हो सर ये जो पार्ट है हॉरिजॉन्टल इसका डबल क्या है वर्टिकल। ऐसे आप इसकी क्या शो करोगे पोजीशन शो, उसको बोलते अपन क्या कोऑर्डिनेट जो जहां पर आप किसी पॉइंट की आप जगह करनी पड़ेगी क्वेश्चन शो। ठीक है क्लियर? यहां पर क्या होगा हर चीज को चार पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर रखा होगा ऐसे। तो आपको क्या करते हैं चार पार्ट में करते हैं, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। ये हमारा हमेशा एक्स एक्सिस होता है, ये सेंटर वो होता है, ये वाई होता है, ये एक्स और ये एक्स वन और ये वाई और वाई। ये हमेशा प्लस होता है, ये माइनस होता है एक्स का, ये वाई का प्लस होता है, ये वाई का माइनस। इस तरह से आप क्या करते हो किसी पॉइंट की क्या निकालते हो, उसी को आप बोलते हैं कार्टेशियन सिस्टम। जो आप पढ़ोगे इसके क्या पढ़ोगे कार्टेशियन सिस्टम। अपन ने इस टॉपिक को 90 भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, जहां आपको बोला होगा कि एक्स की वैल्यू निकालो x पॉइंट की और y पॉइंट की वैल्यू निकालो। जहां पर आपने x जो x पॉइंट है उसको क्या बोला था एक्सिस बोला था और y को क्या बोला था आपने कोऑर्डिनेट बोला था। वही चीजें हैं, बस यहां पर उससे थोड़ा एक्सटेंशन वर्जन है। और यहां पर क्या होगा सबसे बड़ी चीज आपको डिस्टेंस निकालना, क्या निकालना है दो पॉइंट के बीच में क्या निकालना है डिस्टेंस निकालना। ठीक है अगर मैं ये बोलूं कि एक्स एक्सिस पर पॉइंट निकालो क्या बोलूं मैं, तो इसका मतलब वाई हमेशा जीरो होगा और एक्स की जो भी वैल्यू होगी वो आपको लिखो। ये बोलो आप वाई एक्सिस पर वैल्यू निकालो तो एक्स की वैल्यू क्या होगी और वाई की वैल्यू आपको निकालो। एक्स की वैल्यू हमेशा एक्सिस होगी और वाई की वैल्यू हमेशा ऑर्डिनेट। ठीक है अब एक टॉपिक इसमें कोई बड़ा वो कोऑर्डिनेट जो भी आपने बात की, कोऑर्डिनेट का मतलब एक ही लाइन पर बहुत सारे पॉइंट्स जिसमें ट्राइंगल की वैल्यू जीरो होती है। ट्राइंगल की वैल्यू होती है जहां पर एक ही लाइन पर बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट। ठीक है ये आपको ध्यान में रखें। अगर मैं बात करूं कि दो पॉइंट आपने कोऑर्डिनेट लिया नहीं ये बताओ तो दो पॉइंट की वैल्यू हमेशा तीसरी के बराबर हो तो उसको बोलेंगे अपन बिल्कुल कोऑर्डिनेट है। और अगर आप बोलोगे थ्री पॉइंट जो है वो कोऑर्डिनेट है या नहीं है तो तीन पॉइंट की वैल्यू चौथे पॉइंट से बड़ी मतलब तीन पॉइंट की टोटल चौथे के बराबर होगी तो वो क्या कहलाएंगे आपके कोऑर्डिनेट, बाकी कोऑर्डिनेट नहीं। ठीक है क्लियर कोई डाउट? अब आपने फॉर्मूला लिखे है डिस्टेंस का, क्या लिखा है रूट वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर सॉरी एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। लेकिन ध्यान रखना यहाँ पर एक्स वन माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर प्लस वाई वन माइनस वाई टू का होल स्क्वायर ये भी लिखोगे तो भी गलत नहीं है क्योंकि फाइनली क्या हो रहा है आपका स्क्वायर ही हो रहा है। तो अगर माइनस में लिखे जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ये चीज आपको नहीं प्लस प्लस रहेगा जैसे एक्स टू माइनस एक्स वन मैंने बोला और आपने एक्स टू माइनस एक्स टू लिख दिया तो भी गलत नहीं क्योंकि वही क्या होगी उस केस में भी सेम आने वाली क्योंकि अल्टीमेटली क्या अंडर रूट से पहले क्या है उनका होल स्क्वायर एक्स टू माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर वाई वन माइनस वाई टू का होल स्क्वायर एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर और वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। ऐसा कभी मत करना एक तरफ लिखो एक्स टू माइनस एक्स टू एक तरफ लिखो वाई टू माइनस वाई वन ऐसा नहीं
दोनों तरफ x1 y1 होगा या फिर x2 y2 होगा, तो उससे आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कोई डाउट? कोई डाउट पक्का? चैप्टर नंबर 7 है ना? ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला है ना? बिटवीन टू पॉइंट्स रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन पॉइंट एक्स वन एक्स टू वाई वन वाई बोलो एंड बी, दूसरा में माइनस ए एंड माइनस ये ना एक्स टू यानी कि माइनस ए एक्स वन माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस बी और वाई माइनस बी का होल स्क्वायर, ये हुआ ए स्क्वायर प्लस आंसर। आंसर क्या है? एक 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 जस्ट माइनस टू ए का होल स्क्वायर प्लस माइनस टू बी का होल स्क्वायर दिया जाएगा फोर ए स्क्वायर प्लस फोर बी स्क्वायर। अब इसमें से अगर मैं कॉमन लेता हूं टू कॉमन लूंगा सॉरी फोर कॉमन लेता हूं क्या जाएगा ए स्क्वायर प्लस इसको बाहर लेकर जाएगा टू रूट ए स्क्वायर प्लस स्क्वायर क्लियर है? बताओ।